बसमिल रहीम वालेकुम उम्मीद है कि आप सफेत से होंगे इज़ आदिल महबूब आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस आज इस वीडियो में हमने नेस्टेड लूप का टॉपिक पढ़ना है चैप्टर नंबर फोर हमारा चल रहा है और उसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो है नेस्टेड लूप नेस्टेड लूप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रोग्राम्स एग्जाम्पल देकर ये समझाना पड़ेगा तो लेक्चर आपने बड़े ध्यान से समझना है फिर इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए पूरी बुक के ईजी वर्डिंग में जिसमें हर चीज़ सॉल्व है तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं जी नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं जिस तरह से आ, मैंने आपको बता दिया हुआ है कि फॉर लूप क्या होता है उसके प्रोग्राम की एग्जांपल भी समझा दी हुई है आपको तो वो कॉन्सेप्ट आपको जेन में होना चाहिए फिर इसकी समझ आएगी ठीक है तो नेस्टेड लूप बेसिकली इसका मतलब है लूप इनसाइड अनदर लूप यानी एक लूप की बॉडी जब हम बनाते हैं उसके अंदर एक और लूप लगा देते हैं हम तो उसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं लूप इन साइड लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप ठीक है जी इसमें हम ये करते हैं कि एक आउटर लूप होता है बाहर वाला लूप होता है और उसके अंदर एक इनर लूप होता है तो आउटर लूप के अंदर जब हमारा कंट्रोल आएगा तो इनर लूप को चलाएगा ठीक है तो ये मैं आपको इसका सेंटेक्स बता देता हूँ मैं फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर लिखता हूँ फोर यहाँ पर मैंने किया इनिशलाइजेशन इनिशलाइजेशन उसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं ये तो आपको पता है ना फॉर लूप में हम इस तरह से ही करते हैं और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हमने करना है वो फॉर लूप की बॉडी बनाई और अंदर एक और लूप लगा दिया इनर लूप फिर इनिशलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट और इसकी भी बॉडी बना दी ठीक है और यहाँ पे हमने अपना कोड लिख दिया या स्टेटमेंट्स लिख दी और ये आउटर लूप की बॉडी क्लोज हो गई ये हमारे पास जनाब आउटर लूप है और ये हमारे पास इनर लूप है अब होता यह है कि फर्स्ट टाइम जब वो आउटर लूप में आएगा आउटर लूप की अभी पहली आइट्रेशन है इनर लूप में आएगा इनर लूप की जितनी आइट्रेशन होनी है उनको कंप्लीट करेगा फिर आउटर लूप के पास दूसरी दफ़ा जाएगा कंडीशन टेस्ट करेगा अगर ट्रू है तो आउटर लूप की दूसरी आइट्रेशन शुरू होगी फिर फिर इनर लूप को चलाएगा जितनी दफ़ा इसमें चलना है फिर चलाएगा फिर इसी तरह से आउटर लूप का तीसरा साइकिल तीसरी इटरेशन, यानी हर बार जब आउटर लूप के अंदर आएगा तो इनर लूप की जितनी भी आइट्रेशन है उनको एक दफ़ा मुकम्मल करेगा फिर ही इसको ख़त्म करके आउटर लूप के पास दोबारा आएगा इस तरह से ये हमारे पास जो लूप है नेस्टेड लूप ये चलता है प्रोग्राम की एक एग्जांपल देता हूँ फिर इन शाह ती आपको समझ आ जाएगी वो एग्जांपल ये है कि आपने देखे हम ए, इस एग्जांपल से आपको समझ आएगी कि हम नेस्टेड लूप को किन सिचुएशंस में इस्तेमाल करते हैं मिसाल के तौर पर आपने सीरीज़ प्रिंट करनी है ठीक है वन से लेकर टेन तक सीरीज़ प्रिंट करनी है वन टू तो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन ठीक है लेकिन ये सीरीज़ एक दफ़ा नहीं प्रिंट करनी ये सीरीज़ आपने चार दफ़ा प्रिंट करनी है यानी वन से लेकर टेंथ तक आपने सीरीज़ प्रिंट करनी है फिर दोबारा वन से लेकर टेंथ तक सीरीज़ फिर सीरीज़ इसी तरह से और फिर इस तरह से सीरीज़ आपने एक दो तीन चार चार दफ़ा प्रिंट करनी है। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे उसको आपने देखना है ध्यान से अब ये एग्जांपल आपकी बुक में भी हुई है इसको समझिएगा ज़रा ध्यान से बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम नेस्टेड लूप को क्यों इस्तेमाल करते हैं देखें हमने जैसे मैंने आपको बताया हमने सीरीज़ प्रिंट करनी है कितनी दफ़ा चार दफ़ा ठीक है तो आउटर जो लूप है वो चार दफ़ा लगा देंगे ठीक है लेकिन सीरीज़ कौन सी प्रिंट करनी है वन से लेके कर टेन तक तो वन से लेके कर टेन तक नंबर्स प्रिंट करने के लिए जो लूप है वो अंदर वाला लूप लगा देंगे इसी तरह से हमने यहाँ पे किया ये जो बॉडी है ये हमारे पास मेन की बॉडी है और ये जो बॉडी है ये आउटर लूप की है और ये इनर लूप की बॉडी है ठीक हो गया सबसे पहले यहाँ पर आया और यहाँ लिखा हुआ है इंट ए इज इक्वल्स टू वन कंडीशन लगी ए लेस दैन इक्व टू फोर और ए प्लस प्लस यानी ए की वैल्यू वन है और ए जो है वो लेस देन इक्वल्स टू फोर होना चाहिए और हर बार ए में इजाफा होगा इंक्रीमेंट होगा कहाँ पर इंक्रीमेंट होना है जहाँ पर इसकी बॉडी एंड होनी है यहाँ पर ठीक है तो लूप कितनी दफ़ा चलेगा बाहर वाला चार दफ़ा ये जो आउटर लूप है इसमें चार दफ़ा चलना है मैं यहाँ पर वैल्यू साथ साथ लिखता जाता हूँ आपको आइडिया हो जाएगा फर्स्ट करते हैं ए की वैल्यू सबसे पहले वन है ठीक है ए की वैल्यू वन है कंडीशन टेस्ट की कंडीशन ट्रू है क्योंकि वन लेस होता है फोर से कंडीशन ट्रू है तो बॉडी में आ गया जब आउटर लूप की बॉडी में आया तो इसको एक और लूप मिल गया इनर लूप और यहाँ लिखा हुआ है इंट बी इज इक्वल्स टू वन बी लेस दैन इक्वल्स टू टेन और बी प्लस प्लस यानी ये जो इनर लूप है इसने कितनी दफ़ा चलना है दस दफ़ा चलना है वन से लेकर टेन तक ठीक है तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास वन है कंडीशन टेस्ट की कंडीशन ट्रू है क्योंकि वन लेस होता है टेन से कंडीशन ट्रू हो गई बॉडी में आया और बॉडी में लिखा हुआ है प्रिंट एफ परसेंटेज डी और बी की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करनी है। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है देखें वन है तो वन को प्रिंट कर देगा इस तरह से ठीक है और उसके बाद जब ये अब इस लूप की जितनी साइकल्स हैं जितनी इसकी आइट्रेशन हैं वो कम्प्लीट होनी है फिर उसने इस लूप से बाहर आना आउटर लूप की पहली एट्रेशन चल रही है अभी इनर लूप ने मुकम्मल होना है फिर आउटर लूप की दूसरी एट्रेशन शुरू होगी ठीक है तो यहाँ से जब दोबारा इसके पास गया तो बॉडी के एंड पे उसने इंक्रीमेंट करना है बी प्लस प्लस तो बी की वैल्यू क्या हो गई टू हो गई कंडीशन अभी भी ट्रू है बॉडी में आप बी की वैल्यू प्रिंट की जो कि टू है तो आगे बी की वैल्यू प्रिंट कर दी इसी तरह से बी की वैल्यू थ्री होगी फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है थ्री भी प्रिंट होगा फोर भी होगा फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन प्रिंट हो जाएगा जैसे b की वैल्यू 11 होगी इंक्रीमेंट के बाद तो कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 11 ना तो लेस होता है से ना इक्वल होता है कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी तो इनर लूप टर्मिनेट हो गया अब इनर लूप खत्म हो गया इनर लूप के साइकल्स कंप्लीट हो गए दस दफ़ा चलना था वो चल गया जब इनर लूप से बाहर आया तो यहाँ पर लिखा हुआ प्रिंट एफ बैक स्लैश एन और बैक स्लैश एन का मतलब है कर्सर नेक्स्ट लाइन पर चले जाता है कर्सर अब आ गया यहाँ पर ठीक है अब आउटर लूप का अभी पहला जो एग्जीक्यूशन uh, थी आउटर लूप की पहली अभी वो ही है अभी आउटर लूप की दूसरी एग्जीक्यूशन की तरफ जाना है उसने ए में इंक्रीमेंट करके अब ए में इंक्रीमेंट हुआ और ए की वैल्यू क्या 2 हो गई टू हो गई कंडीशन टेस्ट करने गया कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि टू लेस होता है फोर से अब इस आउटर लूप की दूसरी आइट्रेशन में आ गया अंदर उसको इनर लूप मिला अब इनर लूप ने दोबारा चलना है दस दफ़ा क्योंकि पहले वो टर्मिनेट हो चुका है खत्म हो गया अब इनर लूप उसे दोबारा मिला इनर लूप ने फिर दस दफ़ा चलना है और ये सीरीज इस तरह से प्रिंट होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तक फिर बैक्सलेशन और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री हो जाएगी अभी भी ए की वैल्यू जो थ्री है चूंकि लेस है फोर से फिर इस लूप ने चलना है और फिर वन टू थ्री एंड सो ऑन टेन तक प्रिंट होगा फिर ए की वैल्यू फोर होगी फोर पे भी कंडीशन ट्रू रहेगी क्योंकि ए की वैल्यू फोर है तो फोर फोर के इक्वल होता है फिर ये लूप चलेगा और इनर लूप ने फिर दस दफ़ा चलना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है और जैसे ही ए की वैल्यू हो जाएगी फाइव तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि फाइव ना तो लेस होता है फोर से ना इक्वल होता है तो आउटर लूप की एट्रेशन खत्म अब इस आउटर लूप ने भी नहीं चलना ठीक है आउटर लूप से बाहर आया तो आगे कुछ भी नहीं है तो मेन की बॉडी खत्म हो गई क्लोज हो गई इस तरह से प्रोग्राम जो है वो ये सीरीज प्रिंट करेगा यानी हमने चार दफ़ा सीरीज प्रिंट करनी थी दस दफ़ा भी कर सकते हो यहाँ टेन लिख दो चार दफ़ा सीरीज़ प्रिंट करनी थी लेकिन उसके अंदर भी एक सीरीज़ है ठीक है मतलब वन से लेकर टेन तक तो आउटर लूप जो है वो इसलिए है, एक दो तीन चार कितनी सीरीज प्रिंट करनी है और जो नंबरिंग है मतलब सीरीज़ जो है वन से लेकर टेन तक उसके लिए अंदर वाला लूप हमने लगाया उसके लिए बी की वैल्यू प्रिंट कर देंगे वो इस तरह से प्रिंट करता रहेगा ठीक है।, है तो ये नेशनल लूप का कॉन्सेप्ट था नैशनल लूप का एक और प्रोग्राम है इनशाला मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और उस प्रोग्राम की भी समझ आ जाएगी ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट देर में होगा तो उस प्रोग्राम की बड़ी अच्छी समझ आएगी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप इस लेक्चर को दोबारा पीछे करके सुन सकते हैं फिर इन हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़